हैं चंडीगढ़ की 26 मंडी में, जहां पर एसडीएम के आदेशानुसार आज यहां पे चालान काटा जा रहा है हर व्यक्ति का। वहीं हम आपको बता दें कि विदाउट मास्क का चालान काटा जा रहा है। जिस एवज में हमने एसडीएम साहब के जो आदेशानुसार यहां पे आए हुए हैं उन लोगों से बातचीत की, पर गरीब के ऊपर गाज हमेशा गिरती है, उस एवज में हम आपको बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गरीब के ऊपर ही ये चालान का एक दिक्कत होती है। क्या यहाँ पे अभी कुछ समय पहले चालान लोग काट रहे थे, तो क्या लगता है आपको कि गरीब के ऊपर ही गाज गिरती है? भाजी गली के ऊपर क्या, एक बार ये तो मंडी में जब आते हैं ना ये लोग, तो ये जब एक बार जब पकड़ते हैं लिफाफा हो या मतलब जो है मास्क ना हो, चालान फौरन काटना ही काटना है इन्होंने। तो आपको क्या लगता है जो चालान है, अब केसेस बढ़ने लग गए हैं, तो इस चीज़ की सख्ताई चंडीगढ़ गवर्नमेंट से आपको क्या क्या लग रहा है? ये और कहीं तो नहीं है मसीवा मंडी के अलावा जनाब, और कहीं तो यूपी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ या रोड पर चले जाओ, कहीं नहीं है। देखो मंडी मंडी के लिए है सख्ती है, बाकी जो बाकी और कौन के लिए नहीं है जनाब। ये रोड पे चले जाओ आप, रोड पे कहीं चालान नहीं। मास्क का होना तो बहुत ज़रूरी है जनाब, बगैर मास्क के तो एक बार जब ये बीमारी है तो है, और बीमारी नहीं होती तो नहीं होती। जो सभी जगह अलाव है तो उसके देखो, जब सरकार ने किसी चीज़ को भी हमारे लिए खोला गया तो उस पर पालन फसका का जरूरी करना चाहिए हम लोगों को। अभी चंडीगढ़ में सख्ताई हो रही है, क्या लग रहा है आपको? भाई ये मंडी में बाबूजी लगती है हमें सख्ताई, बाकी और कहीं तो हमें सख्ताई लगती नहीं। कहीं ना कहीं जो सख्ताई वाली बात है चंडीगढ़ क्या से मंडी की बात कही जा रही है, हमें भी जो जानकारी मिली है मंडी की भी जानकारी मिली है, इसके अलावा और लोगों से बात कौन खत्म हुआ है? कोरोना खत्म नहीं हुआ है? अच्छा कोरोना भी चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है। तो आपको क्या लगता है मास्क पहनना सही है गलत है? मास्क पहनना सही है, वैसे अपने सेफ्टी के लिए ठीक है जी। कहीं ना कहीं चालान वाली बात है तो कुछ लोगों को जायज़ भी लगती है, नाजायज़ भी लगती है, क्योंकि गरीब मार जरूर हो जाती है। इस एवज में हम एसडीएम के आदेशानुसार जो लोग व्यक्ति आए हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रक्रिया चल रही है। ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है और जो विदाउट मास्क लोग हैं, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। हाँ जी, प्रिकॉशन के लेके क्या चंडीगढ़ गवर्नमेंट अभी सख्ताई बरत रही है? हाँ जी, मंडी में तो पूरी सख्ताई है जी, बिना मास्क के चलान है सर, और इसके अलग अलग रेट हैं सर। नॉट वीरिंग मास्क का 1000 रुपये है, वॉयलेशन का 500 है जी, स्पिटिंग का 500 है जी। लोग आपसे बात बहस भी करते होंगे कि हमने मास्क बहुत करते हैं जी, बहुत करते हैं जी, बहुत करते हैं, फिर समझा बुझा के उनको हम उनको चालान काटते हैं जी। मानवता के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन में आप लोग उनको छोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात? सर कई बार उसके पास पेमेंट ही नहीं है, बहुत गरीब है, उसको पता ही नहीं है, रेडी वाला है, रिक्शा वाला है, इन लोगों का ज़्यादा कई बार आते हैं। अब जैसे दो गज की दूरी वाली तो कोई बात मार्केट में रह नहीं गई सर, दो कहीं बार कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे इन चीज़ों की अवहेलना हो रही है। दूसरी बात, चुनावी रैली हो या कोई जनसभा हो, उन जगहों पर इन चीज़ों का क्यों नहीं सकता इसे पालन कर रहा चंडीगढ़ गवर्नमेंट? सर हम मंडी में हमारी ड्यूटी है, यहाँ हम कोशिश करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, एक हमारा राउंड होता है अवेयरनेस के लिए, हर आदमी को हम समझाते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क पहनो, स्पिटिंग ना करो, दूरी बना के रखो, तो कोशिश हमारी है, समझते भी हैं लोग, काफ़ी फर्क भी है मंडी में। क्या इस चीज़ का आपको कोई ज़्यादा कड़ाई से कोई व्यक्ति अभी कभी मिला है आपसे इतने समय में कि आप पे विरोध करें या कुछ ऐसी बात पड़ जाए? करते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ भी हो जाता है कई बार करते हैं जी लोग, उनको बुक दिखा के समझाते हैं कि एसडीएम साहब के हमें ये डायरेक्शंस हैं और इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, तो समझाना पड़ता है सर पब्लिक को। मंडी में तो सर फरवरी से कट रहे हैं जी चलान यहाँ पे, फरवरी पहले मैं खुद भी यहाँ पे विजिट करके हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। नहीं रोज़ होते जी यहाँ पे, रोज़ डेली कभी यहाँ कभी उस चौक पे, ऐसे थोड़ा जगह बदलते हैं, सारा कुछ करते हैं डेली, बिन आगे सर एक भी हमारा खाली नहीं होता। हाँ प्लेस जब बदल लेते हैं।